सुपौल जिला त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र से किसके सर होगा बिहार का सहरा, सुनिए अब की बार किसके सर होगा बिहार का सहरा। आइए जानते हैं एनटीवी टाइम संवाददाता बलराम कुमार के साथ क्या कहती है त्रिवेणीगंज की जनता। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं बलराम कुमार, जिला संवाददाता सुपौल बिहार। मेरे साथ है अनुभव ठाकुर कैमरा में। मैं अभी पहुंचा हूँ हरियरपट्टी पंचायत में। आइए जानते हैं जनता की राय, अब की बार किसकी सरकार। आइए जानते हैं जनता क्या कहती है, किसकी सरकार होगी और जनता से जानना चाहते हैं। जनता क्या नाम है सर आपका? लाल बहादुर चौधरा। कहाँ का है? हरियरपट्टी। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आपको? भाई क्या नाम इसका? तेजस्वी। तेजस्वी जी की सरकार जी? क्यों, नीतीश जी की सरकार क्यों नहीं? नीतीश जी में बहुत खराबी है। क्या खराबी है सर? कुछ मिलता नहीं है। क्यों, नीतीश जी की सरकार में विकास नहीं हुआ है? विकास होता तो फिर उसको बुलाते ना, आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? नीतीश जी कहते हैं जल नल योजना, जल जीवन हरियाली, सभी योजना एकदम बिजली घर पहुँचा दिया सर। ये सब बेकार है, बिजली है लेकिन अंधेरा ही रहता है। हमको उजाला चाहिए ना, लालटेन चाहिए, इसलिए हमको उजाला चाहिए। अब लालटेन पर उजाला थोड़ी होगा। क्या कमी है इसमें? अंधेरा ही अंधेरा है, क्या कमी नहीं है, सब कमी है कमी है। जल नल का योजना है लेकिन कोई कामयाब थोड़ी है, सब बेकार है, सब कुछ नहीं चलने वाला है। ये धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या? जी नहीं, अब की बार सरकार बदलना है, देखते आगे क्या परिवर्तन होता है। परिवर्तन चाहिए हम लोगों को, परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए हम लोगों को परिवर्तन जरूरी है। इसलिए हमको लालटेन चाहिए जलाने के लिए, क्यों अंधेरा अंधेरा रहता है। बिजली नहीं रहती है क्या? साल में 6 महीना बिजली रहती है, उसे क्या होता है? बरसात के मौसम में 1-1 महीना तक बोल रहती है, क्या फायदा है इससे? आइए आपसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी शर्मा। कहाँ का है? भगवानपुर। घर मेरा घर भगवानपुर पड़ता है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जो है तेजस्वी सरकार। क्यों, नीतीश जी सरकार में काम नहीं हुआ है? अरे नीतीश जी का सरकार में काम हुआ है, लेकिन इतना काम हुआ है। मैं अगर आप ईमानदारी से अगर आप बात कीजिए तो मैं एक एक गन्ना आपको गन्ना दूंगा जो नीतीश जी का क्या काम है। और नीतीश जी ऐसा काम किया है जो विद्यालय बन के कम्प्लीट है उसमें शिक्षकें नहीं है, हॉस्पिटल बन के यानी तैयार है उसमें डॉक्टरें नहीं है, इतना तो अच्छा काम हुआ है। अभी नल जल जो है एक वार्ड में लमसम 85 लाख रुपया खर्च होता है, कहीं पानी का टोटी का कोई व्यवस्था नहीं है, अब उसका सब बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है, नीतीश कुमार बिहार। ये सब थकने का काम है, किसी भी कीमत में इस बार मैं भी कहता हूँ जो नीतीश जी गया, अगर आप मुझसे सवाल कीजिए नीतीश जी के बारे में तो मैं एक एक जवाब आपको दूंगा। क्या नीतीश बाबू इससे पहले कह रहे थे जो हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए बिहार में, विशेष क्या हुआ, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला अभी तक, मिलता तो हम लोग बकवे करते। वही नीतीश जी, मैं नहीं कहता हूँ, नीतीश बाबू कह रहा था जो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अभी नीतीश बाबू कहाँ है? पलटू सरकार है। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अब की बार जो है पूरे मैं अपने सुपौल विधान लोकसभा में 5 विधानसभा पड़ता है, 5 का 5 होगा वह लालटेन छाप, जिंदाबाद यानी तेजस्वी सरकार जिंदाबाद। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं, जब नीतीश बाबू ने कह रहा है जो हम इतना विकास किया है तो आप उसको अपने विकास पर भरोसा करना चाहिए। एक युवक को पूरे हिंदुस्तान का सारा प्रधानमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन, मायावती कौन, सबका सब एकमात्र तेजस्वी को हराने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। अगर वह सच्चाई से ईमानदारी से अगर काम किया होता तो वो अपने काम पर विश्वास रखता है।
नया रोड का समस्या है, रोड बना है लेकिन कहीं भी उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है। मान के चलिए अभी कह रहा है यानी ऑनलाइन ऑनलाइन कहता है दाखिल खारिज। अरे बाबा, हम लोग इससे पहले 300 रुपया में दाखिल खारिज करवाते थे, अब तो 300 रुपया हम लोग को ऑनलाइन कराने में लग जाते हैं। अब 5000 रुपया लेता है वहाँ ऑफिस में, पता है नीतीश बाबू का उनका पदाधिकारी लेता है, कौन लेता है? पूरे बेलगाम है, अफसर शाही पूरे बेलगाम है। अगर ईमानदारी से के अभी कह रहे हैं शौचालय है, शौचालय आप चलिए मेरे साथ, अगर आप घूरिए इस पंचायत में घूरिए तो सैकड़ा में 5% यानी शौचालय बना हुआ है, मात्र 5.95 उसका कागजे पर चल रहा है, तो क्या करेगा? फिर मौका मिलना चाहिए, फिर मौका मिलना चाहिए। कितना मौका मिलेगा? 15 साल से तो वही है, और कितना मौका मिलेगा? वो सब कुछ जो ठगने का काम कर रहा है। इस बार पत्रकार बंधुओं, इस बार अब अपने आप ठगा जाएगा। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, यानी तीर का तकदीर फूट गया, हाँ फूल का फूल गया मुरझा, हाथी का छाती टूट गया, अब जो है लालटेन छात का जीत पक्का। अब की बार किसकी सरकार? नरसिंह जी की सरकार की, चिराग पासवान की सरकार की, नीतीश जी की सरकार, किसकी सरकार? चिराग पासवान की। चिराग पासवान सरकार अच्छा है, कौन था? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ गए? आपकी बात किसकी सरकार? लालटेन छाप का। क्या नीतीश जी की सरकार में काम नहीं हुआ है? हम लोग का कोई काम। क्या नाम हुआ आपका? आपकी बात किसकी सरकार? नीतीश जी की सरकार में काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ है। नीतीश जी तो कहते हैं जो है लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, जल नल योजना है, सात निश्चय योजना है, गली नली है, हाँ तो लेकिन लसका लसका करके रखा है। कैसे है? क्या लसका रखा? कोई काम है, सब काम अधूरा है, काम नहीं हुआ पूरा। नहीं हुआ है पूरा। क्या दिक्कत है काम? अब थोड़ा सा किया है वैसे है, बड़ा हुआ नहीं बना है। नहीं, रोड सड़क तो बना है, टूटा फूटा है। क्या नाम हुआ आपका? बिरेंद्र सर। कहाँ घर है? हरियर पट्टी। क्या करते हैं आप? काम कुछ नहीं, बूढ़े आदमी क्या करेंगे। अच्छा, आपकी बार किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार। क्यों, नीतीश सरकार में विकास नहीं हुआ है? नीतीश सरकार में विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। मतलब क्या नहीं हुआ, क्या हुआ वो बताइए। 5 साल विकास हुआ है, 10 साल तो वैसे है। मतलब नीतीश जी सरकार में 5 साल विकास हुआ, 10 साल ऐसे चला। अब ठगने का काम कर रहा है। क्या ठगने का काम कर रहा है? अब जल नल योजना देखिए, अभी 95% कहता है कि हम चालू कर दिए, अभी हरियरपट्टी पंचायत में एक भी जल नल योजना अभी 15 को बना है, एक भी काम अधूरा काम करा है। काम पूरा नहीं हुआ? नहीं, अभी काम हुआ।